whenever there is conflict between a man and a woman and that conflict goes out in public usually people believe it's the man at fault and the woman is a victim people believe a husband is always wrong to her and the wife is always innocent but in december 2023 orissa high court in a landmark judgment passed divorce on the grounds of cruelty and non-consummation of a marriage which is a very very difficult ground to prove granting divorce Shri Anubhav Mohanty Member of Parliament Lok Sabha he has spoken about his ordeals but it's a matter of fact that mostly people think that people who are in position of power do not have to go through any problems at all whenever they face litigations like this i've personally known story of anubhav ji for the last several years and i've always wanted to tell his story to people thankfully today he has agreed

तो आप एक लेजिटिमेट राइट एक्सरसाइज करें डिवोर्स सीख करने का क्या आपको भी लगता है अनुभव कि आपकी सबसे बड़ी गलती यही होगी क्योंकि उसके बाद ही ये सारी चीज़ें शुरू हुई uh, सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलूँगा आपको भी क्योंकि यू आर ट्राइंग टू मेक माई वॉइस माई साइड ऑफ द स्टोरी रीच पीपल और आप जो काम पुरुषों के लिए और इक्वलिटी के लिए इक्वल जस्टिस के लिए जो करती आ रही हैं वो uh, काबिल तारीफ है सो आई रियली अप्रिशिएट दैट एंड नाउ अबाउट मी जैसे आपने कहा कि मेरी गलती क्या सिर्फ इतना था कि मैंने अपने फंडामेंटल राइट right का इस्तेमाल किया मैंने डिवोर्स फाइल किया तो मेरे सिचुएशंस को देखते हुए मैं बोलूँगा कि शायद हाँ कि कहीं ना कहीं मेरे फंडामेंटल राइट right का इस्तेमाल करना मेरे लिए शायद गलत हो गया था एक पल के लिए काफ़ी वक्त के लिए और जैसे दुनिया में मैंने शुरू से ही कहा था सारे लोगों को मीडिया में भी कि ना तो मेरी शादी दुनिया की सबसे पहली शादी थी और ना तो मेरा डिवोर्स दुनिया का आखिरी डिवोर्स था या पहला था मेरे डिवोर्स से पहले कई उड़ीसा के कई अलग अलग क्षेत्र से हैं उनका डिवोर्स भी हुआ है वो चाहे बिजनेसमैन हो पॉलिटिशियंस हो एक्टर्स हो ब्यूरोक्रेट्स हो कोई भी जगह पे हो तो उनका डिवोर्स भी हुआ है और दोबारा शादी भी हुआ है उन लोगों का पर मेरे डिवोर्स फाइल करने के बाद एंड टू ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन कन्ज्यूमेशन जो प्रूव हो गया मुझे क्रिमिनल जैसा सजाया दिया गया सजा दिया गया लोगों के सामने कि जैसे मैं दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी हूँ जो सिर्फ अत्याचार करना जानता है औरतों पर लड़कियों पर अपने पत्नी पर खास करके सो इस तरह का पोट्रे मुझे कर दिया गया तो डेफिनेटली दैट वे आई कैन से कि ये गलती था पर यह मेरे लिए सबसे बड़ा वैल्यूएबल स्टेप भी था आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने डिवोर्स फाइल किया और मैं उससे आज आज़ाद हूँ अगर मैं डिवोर्स फाइल नहीं किया होता तो जितना साल मैं अपनी जिंदगी का गंवा चुका था जो बहुत कुछ और कर सकता था जिस वक्त में तो वो आगे भी गंवा दिया होता है तो अभी मेरे पास वक्त है जिंदगी में काफी कुछ करने के लिए लोगों के लिए मेरे राज्य के लिए मेरे देश के लिए आई एम श्योर आप लोगों ने जॉनी डेप या हर्ड के, के केस के बारे में सुना होगा दैट वॉज वन ट्रायल विच वॉज ब्रॉडकास्ट इन फ्रंट ऑफ दर वर्ल्ड उससे पहले एम्बर हर्ड अपने आप को डोमेस्टिक वायलेंस की एम्बेसडर बोलती थी और एक विक्टिमाइज पूरा का पूरा उनका पर्सपेक्टिव था और जॉनी डेप को आ, हर जगह से जो है मेरे ख्याल से निकाल दिया गया था और उनको एज अ एक अब्यूज़र की उपाधि दे के बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ को डैमेज हुआ था बट सरप्राइजिंगली उनका जो केस था वो एक पब्लिक ट्रायल हुआ और उसके बाद लोगों के सामने जो सच आए दैट वॉज नॉट जस्ट शॉकिंग बट मेरे ख्याल से एक बहुत ही डिसेंट लेवल पे उसने एक पूरे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव को टर्न अराउंड किया उसी बात पे जो मैंने स्टार्टिंग की थी कि इट्स नॉट ऑलवेज अ मैन हु इज़ अ परपेट्रेटर नॉट ऑलवेज द वुमेन हु इज़ अ विक्टिम इंडिया के, के बारे में अगर मैं बोलूं तो एक केस जो सबसे ज़्यादा क्लोज मुझे लगता है जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के ट्रायल से वो लगता है अनुभव मोहंती जी और वर्षा प्रिया दर्शनी का केस आई रियली रियली प्रे किसी दिन इनका भी केस पब्लिक ट्रायल में आ जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए लेकिन अनुभव क्या-क्या एलिगेशन लगाए गए किस तरह के जो आपने लगाए थे वो बाकायदा नॉन कॉन्जेशन भी था क्रूल भी था yes. और हाउ यू हैफर्ड फॉर एंटायर ड्यूरेशन ऑफ मैरिज भी था एंड यू प्रूव ऑन देश अबाउट दैट देखिए मैंने डिवोर्स फाइल किया जुलाई 2020 में और उसके बाद अनगिनत केसेस मेरे खिलाफ फाइल हुए जी। उसके पहले मतलब डिवोर्स फाइलिंग डेट से लेकर उससे पहले कभी भी मेरे खिलाफ मेरे परिवार के खिलाफ किसी के किसी के भी खिलाफ उनके तरफ से एक कंप्लेंट तक कहीं पर दर्ज नहीं हुआ था किसी पुलिस स्टेशन में स्टेशन डायरी तक नहीं किया था उन्होंने और यहाँ पर एक अलग ट्विस्ट है दिस इज नॉट द एंड कि यहाँ पर वो रुक जाए चुप हो जाए वो सात अगस्त दो को उन्होंने डी फाइल किया और उसी सात अगस्त दो को उन्होंने जज फैमिली कोर्ट कटक में सेक्शन 9 के तहत एक पिटिशन मेरे खिलाफ दायर किया जी। और उन्होंने अपने पहले पैराग्राफ में लिखा है कि मतलब वो 7 अगस्त 2020 तक की आज की तारीख तक हम दोनों पति पत्नी के हैसियत से एक ही छत के नीचे खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं हैप्पी एंड पीसफुल कॉन्जुगल मैरिटल लाइफ उसके बाद सात अगस्त 2020 को वो कटक उड़ीसा के एसडीजीएम कोर्ट में मेरे खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का एक केस दर्ज की जिसमें उन्होंने ये लिखा साफ करके कि शादी के पहले दिन से ही वो टॉर्चर हो रही थी मेरे से मेरे परिवार से मैं उनको मारता था पीटता था शराब पीता था उनके सामने 24 घंटे नशे में धुत रहता था दोस्तों के साथ बेडरूम में दारू पीता था और वो सब कुछ देखते हुए भी खामोश रह जाती थी डरी हुई सहमी हुई सी

शादी के हो चुके थे उस वक्त में पंद्रह करोड़ का उन्होंने मुझसे मेंटेनेंस मांगा कंपेंशेशन के हिसाब से मेंटेनेंस मांगा उन्होंने और महीने का सत्तर हज़ार वो अलग से है पचास हज़ार फॉर मेंटेनेंस और बीस हज़ार फॉर इक्वल स्टेटस ऑफ रेंटल एकोमोडेशन ये सात uh, अगस्त 2020 का बात है उसके बाद आप जरा हिसाब रखिएगा यहाँ से उन्होंने सात सितंबर 2020 को हमारे खिलाफ मतलब मेरे परिवार के मेरे स्टाफ के खिलाफ और मेरे खिलाफ सबसे पहला एफआईआर दर्ज किया दिस इज अबाउट ऑन सेवेंथ ऑफ सेप्टेंबर सेवेंथ ऑफ सेप्टेंबर के बाद में ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ अक्टूबर एक डेट था उसके बाद फिफ्थ ऑफ नवंबर ट्वेल्थ ऑफ नवंबर एटींथ ऑफ नवंबर फिफ्थ ऑफ दिसंबर नाइनटींथ ऑफ दिसंबर आप सोचिए हिसाब कर लीजिए कितना हो रहा है ये मेरे डिवोर्स फाइल करने के बाद उन्होंने लगातार मतलब जैसे उनको नींद ही नहीं आ रही थी चैन से नहीं बैठ पा रही थी जब तक मेरे खिलाफ या मेरे परिवार के खिलाफ वो कंप्लेन नहीं करती है पुलिस स्टेशन में उन्होंने एक के बाद एक एक के बाद एक फॉल्स एलिगेशं बेसलेस एलिगेशन्स पर एफ दर्ज करवाए जिससे मजबूर होकर जिसके वजह से मतलब परेशान और तंग होकर क्योंकि मेरे पिताजी का तब नया नया डायलिसिस शुरू हुआ था उस वक्त में आप घर के अंदर में 20-25 पुलिस को इकट्ठा करना मम्मी को खड़े करके उनके आजू बाजू बगल में पुलिस खड़े होकर उनको ये बोलना मुझे अपने ही घर में पांच मिनट के लिए भी एक मिनट के लिए भी जाने का मौका नहीं मिल रहा था और आप लोगों ने आप, आपका घर भी छोड़ दिया था उसके बाद हमने वही किया यस yes, जब इस तरह से रेगुलरली हम हैरेस्ड हुए और फॉल्स कंप्लेन्ट्स उन्होंने फाइल किया तो हम तुरंत वही मतलब अक्टूबर में ही मेरे ख्याल से इतना कुछ ज्यादा हो गया था वी मूव डॉन टू अंटल एकोमोडेशन उसी कटक में ही सोचिए अपना घर होते हुए एंड आई माई फैमिली नो वॉट थ्रू वॉट पेन वी ऑल एव पास क्योंकि उस वक्त में भी इनका कंप्लेन का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा था uh, आपका फोन नाइनटी एटे दो हजार बीस में ही फाइल कर दिया था डिवोर्स के बाद बट फॉर द नेक्स्ट थ्री ईयरस उसमें कुछ बहुत ज्यादा हुआ नहीं था एंड देन अगेन यूटिलाइजिंग योर राइट

उसको वर्षा ने एफ के तौर पर रजिस्टर करवाया था 19 दिसंबर 2020 को जो फोर अंडर सेक्शन 498 ए 341 506 34 ये चार सेक्शंस के अंडर में वो रजिस्टर हुआ मेरे खिलाफ और ताजुब की बात ये थी कि जो दो स्टाफ मेरे हैं जिनके साथ मेरा खून का रिश्ता नहीं है पर वो मेरे परिवार से भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा और करीब हैं परिवार जैसे ही है पर उन दोनों के खिलाफ भी फोर का सेक्शन दर्ज हो गया था जबकि यह परमिट ही नहीं करता इट इज नॉट एट ऑल नॉन फैमिली तो पुलिस ने 19 दिसंबर के एफ आई आर के ऊपर लगाया डाउरी मांगता था हाँ उन्होंने एक ही इंसिडेंट के बारे में उन्होंने एक सिली इंसिडेंट के बारे में उन्होंने दर्ज किया वहां पर और अगर उस इंसिडेंट को भी आप सही पकड़ लेंगे कि हाँ ये भी मान लो सही आपके हिसाब से उस इंसिडेंट के एफ को अगर कोई पढ़ भी ले कोई नॉर्मल आदमी भी पढ़ ले वो बता देगा कि कहीं पर भी फोर नाइनटी नहीं हो रहा है लागू ना मैंने किया है ना मेरे स्टाफ ने किया है हाँ उन्होंने लेकिन लाइफ रिस्क है मेरे से उनको ये भी उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन में कहा है फिर भी सेक्शन नाइन वो लड़ रही थी मेरे साथ रहने के लिए सोचिए कितनी ताकतवर है वो जो पिटती थी मतलब रोती थी रोज ये, ये बात थी। तो शायद जज ने भी किसी भी तो आपकी हाँ हा, 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 पूछी गई है ना yes, किस yes, yes. जब आप कह रही हैं कि आपको थ्रेट टू लाइफ है एक जगह पे, जगह पे और दूसरी जगह पे आप कह रही है कि आप इनके साथ रहना रहने फोर नाइनटी डे भी फाइल किया है उन्होंने हमेशा लिखा है फिर आई जस्ट वॉन्ट माई हजब इन टू माई कंपनी उनका ये था और कह रही थी मैं जब हर तरीके से फेल मार गई कि एक साथ दोनों रह पाए आई आई फेल्ड इन ऑल अटेम्प्टीनियन उसके बाद में मैंने सारे केसेस फाइल किए हैं हाँ, ये, भी लिखा हाँ। है, ये भी लिखा है दीपिका जी आई हैड नो इंटेंशन टू फाइल एनी कंप्लेंट एनी प्रोसीडिंग एनी एफ आई अगेंस्ट माई हस्बैंड बिफोर फाइलिंग ऑफ द डिवोर्स पिटिशन बाई हिम यह भी उन्होंने एडमिट किया अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में तो यह चीज तो क्लियर हो गया है उसके बाद तीन साल तक तीन साल तक क्योंकि पुलिस के पास कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं था कोई ऐसी वजह नहीं थी वैलिड ग्राउंड नहीं थी कि वो हमारे खिलाफ चार्जशीट फाइल कर पाए उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया जिसके वजह से हमने क्वेश के लिए अपील किया ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा में और वो भी स्पेशल MPML बेंच में आया अनफॉर्चुनेटली फॉर वट एवर अभी तक उसकी फाइनल सुनवाई हुई नहीं है होगी मैटर इज सब एंड आई हैव वेरी डीप फेथ ऑन सिस्टम द जुडिशियरी ऑफ आर कंट्री और uh, हमने क्वाशिंग मतलब जो खारिज करने के लिए जो uh, आवेदन पत्र दाखिल किया uh, हाईकोर्ट में ऑनरेबल हाईकोर्ट ने नोटिस इशू किया पुलिस को जी। कि आपने तीन साल तक क्यों कोई चार्जशीट फाइल नहीं किया तुरंत यू एक्शन वो तुरंत हमको बताओ क्यों नहीं किया था उन्होंने ठीक जो दिन तीन साल कंप्लीट हो रहे थे द एग्जैक्ट डेट पुलिस ने मेरे खिलाफ खगेंद्र जी के खिलाफ और सुजीत के खिलाफ चार्जशीट फाइल किया दाखिल किया दैट ऑनरेबल कोर्ट टूकनीजेंस ऑफ द चार्जशीट और उसके बाद वो ट्रांसफर हो गया हम अपेयर किए वो ट्रांसफर हो गया जे कोर्ट को mm -hmm. uh, और जे कोर्ट के पहले डेट पे मेरे तरफ से जो लॉयर अपेयर किए थे uh, मेरा कुछ इलेक्शन कैंपेन का चीज इस प, uh, काम में मैं आई वाज आउट तो मैं फर्स्ट डे अपेयर नहीं कर पाया था एंड uh, बहुत शॉर्ट डेट फिर हमको मिला मतलब मान लीजिए दस Uh, मई 2024 को ही फर्स्ट डेट था और उन्होंने अचानक से डेट दे दिया 13 मई 2024 को और मेरा ऑलरेडी मम्मी के लिए मेरी माता जी के लिए डॉक्टर दिखाने का अपॉइंटमेंट हमने ले रखा था तेरह तारीख के लिए दिल्ली में दिखाना था हमें और देर वॉज और काफ़ी वक्त से वो ड्यू था पिताजी के मतलब देहांत के बाद में मम्मी का ख्याल हम लोगों का रखना हमारी ये जिम्मेदारी बनती है हर किसी बच्चे का बनता है जी� तो उसके लिए मैं दिल्ली आया हम अपनी माता को लेकर मैंने डॉक्टर दिखाया और तेरह तारीख को मेरे लॉयर जो है वहाँ पर बताए ऑनरेबल कोर्ट को उन्होंने बताया कि मेरे क्लाइंट इज़ माय क्लाइंट इज़ नॉट ट्राइंग टू इवेड फ्रॉम द प्रोसेस द प्रोसीजर और ही इज़ नॉट डिजॉर्नर इन द कोर्ट इट इज जस्ट बिकॉज हिज मदर इज़ अनवेल एंड ही हैड टू अ हर फॉर हर मेडिकल चेकअप तो इसलिए वो नहीं आ पाए हैं आज मौजूद नहीं रह पाए अगली डेट जो भी देंगे अवेलेबल डीवी केस में तीन साल के बाद पहली बार वर्षा कंप्लेनेंट खुद होते हुए वो तीन साल के बाद अपीयर की पहली बार और मैं कितनी बार अपीयर कर चुका था और उनको पुलिस नोटिस गया जज ने भी कई बार नोटिस किया पेनलाइज की गई पेमेंट तो कर दी पर खुद नहीं आती थी बड़े मुश्किल से वो तीन सौ ग्यारह सौ दिन के करीब वो आई और 26 अगस्त 2023 तक उन्होंने फाइल किया था सात अगस्त दो हजार बीस छब्बीस अगस्त दो हजार तेईस तक तिरसठ हियरिंग uh, से डेट से वो बावन डेट्स का टाइम पिटिशन फाइल की थी एडजमेंट ली थी खुद कंप्लेनेंट जो कंप्लेन करता है कि सामने वाला जुर्म किया है मेरे साथ मुझे इतना हैरेस किया है अब आपको तो जल्दी न्याय चाहिए आपको आना चाहिए कोर्ट पे जबकि मैं जा रहा हूं कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे सज़ा मिले अगर गलत नहीं हूं तो मुझे यहां से रिहाई मिले मुक्ति मिले मुझे मैं क्यों झूठे केसेस की के वजह से फंसूँ दौड़ू बार बार पर वो नहीं आती थी मैं जाता था और एक दिन दो दिन का टाइम पटिशन हमने अगर मांगा रिक्वेस्ट मांगा आई वॉन्टर बट एनी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ वजह रही होगी उनको लगा होगा ऑनरेबल कोर्ट को कि शायद ये चीज़ सही है इस वजह से उन्होंने एंटिसपेटरी सॉरी uh, uh, जो नॉन वेलेबल वारंट निकाला ऑफ अरेस्ट और हम उसको हायर कोर्ट में चैलेंज करेंगे कर चुके हैं शायद और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें इससे पूरी तरह से रिहाई मिलेगी बहुत जल्दी आई गेट जस्टिस और जो सच के साथ रहता है उसके साथ कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बट दुख इस बात का है कि इस एन बी डब्ल्यू का जो नॉन अवेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट इशू जो हुआ है मेरे खिलाफ जो बेसलेस है एक्चुअली इन एक्चुअल उसका फ़ायदा ऑपोजिट पार्टी वर्षा प्रदर्शनी अपने इस वक्त के पॉलिटिकल कैंपेन में इस्तेमाल कर रही है वो डायरेक्टली ना करते हुए भी इनडायरेक्टली करवा रही है और कई न्यूज़ बन रहे हैं इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है अपने इमेज बिल्टअप करने के लिए ये झूठा चीज़ कोई किसी महिला को नहीं करना चाहिए क्योंकि महिलाएं हमेशा से बहुत ऊंचा दर्जा रखते हैं हमारे समाज में एंड आई हैव ऑलवेज टू फॉर वुमेन्स राइट्स I am a proud member of parliament, जिसने जो uh, women's reservation bill जो पास हुआ पार्लियामेंट में आई एम टू दैट और मैं जब राज्यसभा में था 2015 में तब मैंने खुद एक प्राइवेट इंट्रोड्यूस किया था मौका नहीं मिला उस पर चर्चा करने के लिए पर मैंने इंट्रोड्यूस किया था इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन गवर्नेंस बहुत सारे लोगों को एक्चुअली कानूनी प्रक्रिया इतनी अच्छी तरह से पता भी नहीं चलती है तो मैं सिर्फ uh, मीडिया uh, प्लेटफॉर्म से ये बोलना चाहूँगी कि सबसे बड़ी बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट का अभी इसी साल 2024 का जजमेंट है लोअर कोर्ट्स को डायरेक्ट करते हुए कि अंटिल अनलेस कोई बहुत ही ज़्यादा संगीन अपराध ना हो yes. जिसको हीनस क्राइम कहते हैं नॉन बेलेबल वारंट्स बहुत ही कैजुअली कोर्ट्स को नहीं uh, करने चाहिए रिलीज Uh, दूसरी बात ये कि सिर्फ दो डेट्स में नॉन अवेलेबल वारंट्स इशू हो जाना ये मेरे ख्याल से एक प्रोसीजरल राइट uh, right भी नहीं है क्योंकि पहले अवेलेबल वारंट्स पहले समन्स इशू होते हैं फिर अवेलेबल yes. वारंट्स इशू होते हैं उसके बाद नॉन अवेलेबल वारंट्स इशू होते हैं और सबसे बड़ी बात मैं ऑडियंस को यह बोलना चाहूंगी कि आ, ऐसा मीडिया में मैंने भी देखा है वो आर्टिकल ऐसा बताया जा रहा है कि नॉन अवेलेबल इशू हो गए हैं डोमेस्टिक वायलेंस के केस में इशू हो गए हैं इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि शायद कि जैसे अनुभव को ऑलमोस्ट कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया हो इस तरह के केस में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है एक ये कानूनी प्रक्रिया है कि क्योंकि वो दो बार कोर्ट नहीं जा पाए पर आपको ये भी जानना चाहिए दीपिका जी जी Uh, जो दो डेट्स हमने मिस किया मान लीजिए तेरह मई को मैं गया नहीं जिस दिन एनबीडब्ल्यू इशू किया ऑर्डर पास है, किया कोर्ट ने चौदह मई को मेरे लॉयर जाकर ऑनरेबल कोर्ट से उन्होंने एक पिटीशन भी टाइम मतलब पिटीशन फाइल किया उसमें उन्होंने ये दर्शाया कि क्यों मेडिकल डॉक्यूमेंट्स दे के क्योंकि पिछले दिन पहले डेट में वो बोले कि डॉक्यूमेंट सपोर्टेड नहीं है इसलिए हमने ये इशू किया तो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स उनको दिया गया बताया गया कि दो बजे अपॉइंटमेंट था विद प्रूफ एंड एविडेंस और उनको यह तक कहा गया कि अगली डेट में क्लाइंट विल डेफिनेटली कम इट्स अ कमिटमेंट वो आएंगे तो कोर्ट में hmm. क्योंकि हमने कभी कोर्ट से भागने की कोशिश नहीं की है right. और अगर आज भी जरूरत है इफ यू वांट सो वी कैन बी अवेलेबल ऑन वीसी पर उसका भी इजाजत हमें नहीं मिला देर इज सम अदर थिंग विच इज गोइंग ऑन और जैसे कि मैंने कहा कि ऑपोजिट पार्टी इज ट्राइंग टू टेक माइलेज आउट ऑफ इट सो दिस इज नॉट लेस देन एनी ब्यूटिफुल पॉलिटिकल प्रोपागैंडा मैं और एक भी आने वाली थी अनुभव कि एक महिला खुद कंप्लेन्ट्स फाइल करती है उसके बाद सिक्सटी एट लेती है और उसमें कोर्ट कुछ नहीं कहता है वो <laughs> बार बार चांसेस देते हैं कि हाँ जी आप जब भी हाँ फ्री हो तब आइए और अपनी बात बताइए और हम फिर भी उसको सुनेंगे जहाँ पे एक सोशल uh, पर uh, है वहाँ पे एकदम से जो है पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली जाती है वही पार्टी जिसके पहले अनुभव मेंबर रह चुके हैं उसको 11 साल तक सर्व कर चुके हैं Uh, बहुत ही एक सटल कैंपेनिंग करी जाती है फॉर द लास्ट सेवरल इयर्स इनकी इमेज डेंट करने के लिए एक मैट्रिमोनियल इशू को बार बार उठा के तो और फिर एकदम से पॉलिटिकल कैंपेनिंग <laughs> के बीच में अभी आप स्टार कैंपेनर हैं बीजेपी के तो और ये नॉन अवेलेबल वॉरेंट्स इशू हो गए तो बड़ा को इज इट इज इट फॉलिंग इन द प्लेस और इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस व्हाट डू व्हाट डू यू थिंक अनुभव <laughs> देखिए मैं जो भी अभी कहूँगा शायद काफ़ी लोग उससे आ, मतलब सहमत होंगे और कुछ लोग शायद सहमत नहीं होंगे पर मैं जो बोल रहा हूँ शायद मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं पहले तो जिस पार्टी को सर्व करता था ग्यारह साल से करता आ रहा था वेरी ऑनेस्टली आई वॉज सर्विंग और जब मैंने इस्तीफ़ा दिया भी 30 मार्च 2024 को मैंने अपने लीडर ऑनरेबल श्री नवीन पटनायक सर के खिलाफ एक लफ्ज़ भी कहीं पे नहीं लिखा कहीं कहा भी नहीं कभी कहूँगा भी नहीं कभी भी नहीं कहूँगा क्योंकि मैं उनको एक पिता समान इज्जत करता था आज भी करता हूँ लेकिन वो पार्टी आज की तारीख में आई के आई कैन से कि वो उनके द्वारा उनके नेतृत्व में नहीं चल रही है देर आर अदर पीपल हु हैव लिटरली हाईजैक्ट द एंटायर पावर कॉरिडोर एंड दे आर डूइंग एवरीथिंग जिसके वजह से आप सोचिए कि जब चार साल तक मेरा मैरिटल डिस्कॉर्ड चल रहा था मैं पा जिस पार्टी का स्टार कैंपेनर डे वन से रहा हूं क्या जरूरत थी एक डिवोर्स केस की के वजह से जो प्रूव नहीं हुई अभी तक मुझे स्टार कैंपेनर लिस्ट से हटाया दिया जाता है मुझे नेशनल स्पोक्स पर्सन से हटाया दिया जाता है और सबसे इंटरेस्टिंग यहां पर यह बात आती है कि जिनके खिलाफ मेरा मैरिटल डिस्कॉर्ड है मतलब वर्षा जिनके साथ मेरी शादी हुई थी जिनके साथ डिवोर्स चल रहा था वो बिना पार्टी के किसी मेंबरशिप के वो पार्टी के प्रचार में जाया करती थी पार्टी उनको बुलाया करती थी मुझे हटाकर तो डिस्कॉर्ड तो मेरा आ, मतलब जो डिवोर्स केस तो उनके खिलाफ ही चल रहा है मुझे हटाकर उनको बुलाने का मतलब क्या है और मैं जो वजह दर्शाए नहीं था अपने आ, जो आ, दल छोड़ने के वक्त में वो चीज़ों को साफ साफ पार्टी ने ही शायद क्लियर कर दिया अठारह अप्रैल को जब वर्षा को उन्होंने पार्टी में बाकायदा शामिल किया अठारह अप्रैल में वो शामिल हुई उन्नीस अप्रैल में उनका कैंडिडेचर डिक्लेयर हो गया दैट शी इज़ अ कैंडिडेट फ्रॉम द पार्टी बड़े बड़े वरिष्ठ नेता वहाँ पर हैं बीजेडी से जो छः छः बार भी कंटिन्यूसली लगातार विधायक रहे हैं उनका भी नाम कट कर कट गया और ये वहाँ पे प्रार्थी हो जाती हैं और इनके लिए तो वही चाहिए शुरू से ही तो वुमेन विक्टिम कार्ड ही खेल रही हैं तो ये फॉल्स फोर ए फॉल्स डी वी केस डिवोर्स में जब मेरे खिलाफ़ आपने अत्याचार किया है वो प्रूव होकर मुझे डिवोर्स डिक्री ग्रांट हो चुका है जी। आप कब तक ये बाकी झूठे केसेस को घसीटती रहेंगी जी। कब आपको चैन मिलेगा कब शांति मिलेगी आपको खुद की अपनी जिंदगी जीनी है कि नहीं है मुझे भी जीने देना है कि नहीं है आपको आपको इस केस में कॉन्ट्रोडिक्शन जो हैं बहुत सारे हैं एक जगह पे कहा जा रहा है कि अनुभव ने डोमेस्टिक वायलेंस केस में कहा जा रहा है कि एक भी पेनी नहीं दिया है एक भी पैसा नहीं दिया है पूरी जिंदगी इनकी जो शादीशुदा जिंदगी थी उसमें उनको डिप्राइव रखा है बट हाल ही में वर्षा जी ने जो अपनी पॉलिटिकल सीट के लिए जो एफिडेविट्स फ़ाइल किए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि उनके पास तीन घर हैं और कुछ करोड़ की चार प्लॉट अच्छा, ओके या, और फिर चार ज्वाइंट प्रॉपर्टी से भी हिस्सा तो मतलब काफी मुझे लग रहा है कि वेल्दी है वो या, लेकिन हर ग्रॉस अमाउंट मतलब उनका सेविंग शायद करोड़ों में है तो लेकिन डीवी के केस में जो है लेकिन कुछ और बातें हाँ। जो है कही गई है बड़ी कॉन्ट्रोडिक्शन लगती हैं इस केस में और सबसे बड़ी जो चीज मुझे लगता है जो एक जॉनी डेप और एम्बर के केस की तरह मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ वो एक एविडेंस है जो कि अपने आप में ही एक बहुत शॉकिंग एविडेंस है जाहिर सी बात है कि जब आदमी की साइड की कोई एविडेंस आती है तो उसको इतना ज़्यादा ना तो उछाला जाता है ना उसकी बात करी जाती है लेकिन इस ऑडियो को ज़रा आप सुनिए और खुद जज कीजिए क्योंकि खासकर उड़ीसा की जो आ, जो लोग हैं जो फैंस हैं इन दोनों के जो फैंस हैं वो ये सोचते हैं कि एक बड़ा लविंग कपल था और अननेसरिली इस केस को जो है कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया गया है बट आप इस ऑडियो को सुनिए और शायद कहीं ना कहीं इससे क्लियर होगा कि और चाहे कुछ भी था इस मैरिज में लेकिन लव नहीं था आ, को सोई दिला नहीं, नहीं नहीं को को अरे केड़े गेट पर कर का गो देखा हां अह वो कॉल रिकॉर्ड फेकर तो मन को डिलीट कर दे साउ सिस्टर्स रखी थी तार डाउट था ना साउ आज तुम्हें भाग्य भलो तुम्हें आज बढ़िया मैसेज से आई आर जी कथा

द मेडिसिंस लाइक आप सो यू हैव टेकन ओ सॉरी ऑन यू टू टेक के कोई तो कला तुम भी वॉल्रस हो ही नहीं तुम आम बोल रहा ठीक है हो oh, go कंफर्टेबली बढ़िया आराम से सोई सोई के जाओ बात तो ठीक है और माने पहुंच जाओ ठीक है तो मिड वे रे पूरी कॉल कर दो हां 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 ठीक है हाँ. बी केयरफुल तुम सिर्फ बिस्लरी बॉटल पानी ही पीओ नाउ नाउ ओनली आई एम बाइंग हां बाय ओके जानेबो हां बाय बाय रुद्धि पूरा फिल्म पूरा फिल्म पूरा स्टोरी तो है सुपर डुपर हिट छोड़ दी तू तो पैसा डायरे लगे की स्टोरी गोटे बदई दो और दी दीदी कोटी तो कमी दो एमती सब कहि की लास्ट रे कांदिला गोड़ धरला गुंता मुंड ऊपर खोंडा लटकी थी सही है ये किछी करिवो माने मरी गला हां 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 ही फिनिश्ड हिज फैमिली फिनिश्ड ली डिसाइड करली इधर आ रहा हूं चिल्ले भी तो मतलब एक छतरिया

नहीं नहीं छू नहीं तो मेरे कहाँ फोन तो करते हो वो फोन तो करो नहीं वो तो टिकट आउट हो ची कले mm -hmm. ये हाँ नहीं सिर्फ कले कॉल ये मुरो करेगा नहीं mm -hmm. ला ये यहाँ हो ची उठो ना आओ मुने इन्हें तो सामना रे फैन करते लड़ी हम्म हम्म बस हाँ हाँ ना हम्म कुत्ता ही हो जाएगा ना हाँ सिंगू ह�

Um, कोई जज करेगा या ये बोलेगा कि क्योंकि ये इसकी पर्सनल सफरिंग है इसलिए ये इसके बारे में बोल रहा है बट हैव यू कॉन्शियसली टेकन अ स्टैंड क्या आप या आप सिर्फ लोगों की मदद करना चाहते हैं यू एज ए ह्यूमन बींगाई वाई वुड यू स्पीक फॉर मैं दैट आपने बहुत सही सवाल मुझसे किया क्योंकि जब से uh, मेरा डिवोर्स uh, सामने आया लोगों के उसके बाद जो जो स्टेप्स मैंने लिए जब जब मैंने आवाज़ उठाया है इक्वलिटी के लिए या पुरुषों के लिए जो जो पीड़ित पुरुष भी हैं उनके लिए तो लोगों को लगा कि शायद मैं अपने डिवोर्स के वजह से ही ये बोल रहा हूँ जबकि ये सच नहीं है मैं इन सब मुद्दों पर कई वक्त से काफ़ी पहले से मैं आवाज़ उठाता आ रहा हूँ और मैंने हमेशा चाहा है देर हैज टू बी इक्वलिटी इन वॉट इन ट्रू सेंस जो संविधान हमें अधिकार देता है कि राइट टू जस्टिस और इक्वलिटी बारिंग जेंडर कास्ट क्रीड रिलीजन तो उसमें हम सबका अधिकार बनता है कि हमको इक्वल राइट्स मिले यहाँ तक कि मैंने तो संसद में ट्रांसजेंडर्स के अधिकार के बारे में भी कई बार उठाया है पर जब मैं खुद भी फेस करने लगा धीरे धीरे चीज़ों को और मैं कोर्ट्स में जब मैं फैमिली कोर्ट्स जाता था मैं हर डेट्स में लगभग जाता था बहुत कम ही डेट्स होंगे जहाँ मैं एबसेंट रहा हूँगा और वो भी ऑन वैलिड ग्राउंड्स मैं कोर्ट्स में कई क्लाइंट्स को आते देखता था मैरिड कपल्स को जो मतलब तो छोटे बच्चों को भी लेकर आते हैं और क्या परेशानियों से गुजरते हैं झगड़ना पड़ता है उन लोगों को और इसके कारण सिर्फ वो दोनों नहीं है कई और लोग भी होते हैं साथ में उनके कई कई जगहों पे मैं तो ये भी देखा है कि पति चाहते हैं कि अपने पति की पत्नी के साथ रहेंगे वो बाप, वापस लेना चाहते हैं पर पत्नी के ससुराल वाले उनका माइंड वॉश करके रखे हुए रहते हैं कभी कभी होता है कि मैंने देखा है कि अपने बेटे को मिलने के लिए छोटे बच्चे को मिलने के लिए पाँच छः सात डेट से एक बाप एक पिता अपने बैग में कुछ चीज़ें लेकर आता है और उन्होंने वो, वो मुझसे मिले भी क्योंकि उन्होंने देखा था कि सर और कहा मुझे कि सर आई फॉलो यू ओवर सोशल मीडिया क्योंकि आप हमारे लिए एक हीरो आप हमारी आवाज़ उठाते हैं तो मैं आपको कुछ एक पूछना चाहूँगा दिखाना चाहूँगा मैंने कहा कि हाँ बताइए क्या हुआ है तो उन्होंने अपना बैग खोल के दिखाया मुझे बोले कि सर बताइए बैग में क्या रखा है मैंने देखा कुछ कागजात उनके हैं बुक्स वुक्स हैं और एक छोटा सा प्लास्टिक बैट है एक क्रिकेट बैट है और एक छोटा सा प्लास्टिक से बॉल है बहुत ही प्यारा छोटा सा एक छोटे बच्चे जिसमें खेलते हैं तो मैंने कहा तो बच्चों का खिलौना है बैट और बॉल है तो उन्होंने मुझे कहा नहीं सर आप झूठ बोल रहे हैं मैंने कहा कि कैसे न सर ये तो बॉम है मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं आप न सर ये बॉम है क्योंकि पिछले पाँच छः डेट से मैं अपने बेटे को देने के लिए लेकर आ रहा हूँ इसे कोर्ट में पर मेरा बेटा इसे देखते ही बोलता है ये बम है मैं इसे नहीं लूँगा सोची उस पिता के मतलब दिमागी हालत के बारे में वो क्या फेस कर रहा होगा किस ट्रॉमेटिक फेस से वो गुजर रहा होगा और मैंने देखा ये भी है कि वो छोटा बच्चा उनकी वाइफ भी चाहती है कि शायद वो अपने पति के साथ रहें पर वॉट एवर इट इज़ छोटा बच्चा कोर्ट में रो रहा है जोर ज़ोर से पर फिर भी उसको कोर्ट लाया जा रहा है और पिता को उसके बच्चे के साथ मिलने के लिए कई महीनों से कई सालों से इंतजार करवाया जा रहा है और स्पेशली कोविड के बाद विजिटेशन तो एक तरह का जैसे मतलब एक टर्म ही हो गया है अभी रिसेंटली मनोज जी एक हैं जिनका न्यूज़ आया था जो सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी अपील में हैरेस हो गए ऑर्डर के बाद में आई डोंट वांट टू गो टू द लीगल एस्पेक्ट ऑफ दैट पर मैं अगर एक इंसान के हिसाब से भी सोचूं सात साल से ज़्यादा अपने बेटे को वो देखे नहीं है इज दिस जस्टिस इज दिस एक्चुअली इक्वालिटी हम बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको वेपन बना रहे हैं इसके ऊपर हमारी एक रिसेंट फिल्म भी आ रही है कुहड़ी और एक सच्ची घटना पर आधारित है ये इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट हम बना रहे हैं जिसको शायद जून में रिलीज़ होने वाली है इसी साल एंड दिस इज़ गोइंग टू बी एन आई ओपनर फॉर मेनी और हम चाहते हैं कि लोगों तक ये बात पहुंचे कि पेरेंटल एलिनेशन का मतलब क्या होता है एक बच्चे को अपने माँ या पिता से अलग रखना होता है पेरेंटल एलिनेशन मतलब वो चाइल्ड इज एलिनेटेड और बच्चे को आप अगर माँ से अलग रखते हो तो सिर्फ माँ से नहीं माँ के माँ बाप से भी अलग रखते हो माँ के रिश्तेदारों से भी अलग रखते हो जिनसे इस बच्चों बच्चे को क्या कुछ नहीं सीखने को मिलता शायद आगे और जब बाप से अलग रखते हो तो वैसे ही उनके माँ बाप से भी अलग रखते हो उनके परिवार से भी अलग रखते हो दिस इज़ वेरी डिसार्टनिंग दिस शुड कम अप वेरी प्रॉपरली अगेन एंड इट शुड द वॉइस शुड कम अप मोर लाउड एंड क्लियर तो मेरी तो बस इतनी ही ख्वाहिशें इतनी कोशिश हमेशा रहेगी मैं किसी पद में रहूं ना रहूं, लोगों को इक्वल राइट्स मिले मेल फीमेल एक ही प्लेटफॉर्म में रहें और जैसे महिला कमीशन है वैसे पुरुष आयोग का होना बहुत जरूरी है बेहद जरूरी है अनुभव टुवर्ड्स दी एंड जो आपके केसेस के कंक्लूजन हैं उनको देख के तो साफ ये जाहिर होता है कि वर्षा जी की जो सेक्शन नाइन की पिटिशन थी वो डिसमिस हो गई फिर भी वो अपील में नहीं गई डिवोर्स आपको आपके फेवर में ग्रांट हुआ तो भी वो उसकी अपील में नहीं गई तो जो वो कह रही थी कि वो शादी को बता बचाना चाहती हैं वो तो लग नहीं रहा है उनकी जो लीगल फाइट है उससे तो लगता है कि यहाँ शादी से इम्पोर्टेंट शायद ज़्यादा कुछ और है आप इसके बारे में क्या कहेंगे उनका पॉलिटिकल एजेंडा रहा है शुरू से और उनको पॉलिटिकल सपोर्ट भी रहा है काफ़ी वक्त से जो लोगों के सामने शायद कोई प्रूफ के तौर पे नहीं आया था बट अब आ चुका है जब जिस पार्टी को मैं बिलोंग करता था जब मैंने छोड़ा वैलिड ग्राउंड्स पर अब उसी पार्टी ने उनको तुरंत लेकर जबकि उस पार्टी ने मुझे छोड़ने से पहले भी और छोड़ने के बाद भी मुझे फिर से लेने के लिए टिकट्स का ऑफर भी किया बट जो जिस पार्टी से मैंने देखा कि नहीं अन्याय हो रहा है जिस पार्टी की तरफ से उधर जाकर क्या करूं तो मैंने छोड़ा एंड आई ज्वाइन आई एम प्राउडली अ बीजेपी मेंबर नाउ भारतीय जनता पार्टी का मैं मेंबर हूँ और वो उसी पार्टी में ज्वाइन करके पहले तो उन्होंने मुझे जब वो आज प्रचार कर रही हैं मैं इतना कहना चाहूँगा एकदम संक्षेप में कि पहले मुझसे झूठा प्यार किया उसके बाद में उन्होंने मुझसे झूठी शादी की उसके बाद जब मैंने डिवोर्स फाइल किया उसके बाद मतलब डिवोर्स फाइल करने के बाद उन्होंने मेरे खिलाफ़ कई झूठे कंप्लेंट्स और केसेस फाइल किए अब जब सच्ची डिवोर्स ग्रांट हो गई उनको उससे तकलीफ हो रही है उन्होंने झूठे डोमेस्टिक वायलेंस झूठे फोन केस को चला रखा है और पार्टी भी उनकी पार्टी भी इसके इसके लिए उनके समर्थन में खड़ी है पूरी तरह से एंटायर स्टेट मशीनरी इज बिंग यूटिलाइज सत्ता में आने के लिए पावर के लिए ही इनका सारा खेल था ये पावर में आएंगी तो पता नहीं अब तक तो मैं पीड़ित रहा हूँ मेरे परिवार ने भुगता है पता नहीं कितनों को भुगतना पड़ेगा और क्या-क्या देखना पड़ेगा जो झूठे केस लगा सकते हैं वो झूठे वादे तो आपसे अनगिनत कर सकते हैं और कभी आपके साथ खड़े भी नहीं होंगे किसी ने उनके खिलाफ अगर आवाज उठाया तो उनके खिलाफ भी केसेस लग सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस इंटरव्यू और अगर आपको लगा कि इस इंटरव्यू में सच था और एक सच्चाई थी और एक ऐसी बात थी या एक ऐसा डिस्कशन था जो सब लोगों तक जाना चाहिए तो प्लीज इस इंटरव्यू को जरूर शेयर कीजिएगा थैंक यू सो मच अनुप थैंक यू एंड आई वुड अपील एवरी मैन एवरी मैन नॉट टू ब्रेक डाउन लड़ना है जीतने के लिए लड़ना है आखिर तक लड़ना है थैंक यू सो थैंक यू थैंक यू